गर्मियों के मौसम शुरू होते ही पेयजल संकट से जनता परेशान हो चुकी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पेयजल संकट की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन विभाग फर्जी दावे पेश कर चैन से बैठा है, यह कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 महीने पहले सरकार को पेयजल संकट के प्रति चेताया था ताकि जल शक्ति विभाग समय रहते सभी तैयारियां कर ले, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब जनता को पेयजल के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह से जल संकट की शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। कांग्रेस द्वारा स्थापित गांधी हेल्पलाइन पर विभिन्न जिला से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जल संकट बड़ी बुरी तरह से लोगों को परेशान किए हुए है। हमने 1 महीना पहले सरकार को चेताया था, जल शक्ति विभाग को कहा था कि आप समय रहते पूरे इंतजाम कर लें, आने वाले समय में गर्मियों के मौसम में ऐसा ना हो कि लोगों को जल संकट से जूझना पड़े। लेकिन विभाग ने हमारे सुझावों की अनदेखी की। आज स्थिति ये है कि अभी गर्मियों का सीज़न शुरू ही हुआ है और बुरी तरह से प्रदेश में, चाहे हमीरपुर ज़िला की बात करें, ऊना की बात करें, बिलासपुर की बात करें, कांगड़ा ज़िला की बात करें, मंडी के कुछ क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे गांधी हेल्पलाइन के ऊपर जगह जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जल संकट बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है। हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो कोशिश कर रहे हैं कि टैंकर्स के द्वारा उनको पानी पहुँचाया जाए। हमारे सरकार से कहना है कि आप जल शक्ति विभाग को तुरंत कहिए कि किसी भी तरह से, चाहे वो टैंकर्स के माध्यम से पानी पहुंचाएं, लेकिन इसका जो है वो आप निपटारा करें। सरकार बार बार इस बात को जो है वो फैलाती रही कि हम जो हैं वो हर घर में नल और नल में जल, ये सब चीज़ें हम देंगे, लेकिन ये सब जुमलेबाजी साबित हो रही है। अभी तक कोई ऐसा व्यवहारिक रूप में गंभीरता के साथ प्रयास नहीं हुए हैं कि जैसे ही जल संकट, हाँ अगर आपको गर्मियों का ज़्यादा टाइम हो गया मौसम चले हुए और तब अगर प्रॉब्लम आए और फिर आप उसको सॉल्व करें तो समझ आ जाती है, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न शुरू ही हुआ और उसमें अगर ऐसी समस्या आ रही है, निस्संदेह ये विभाग की लापरवाही है। सरकार इस लापरवाही को दूर करे। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र टोच की रिपोर्ट।